हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री जो है उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे लेसन नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमको चूज करना है। क्या दिया गया स्टेटमेंट, द एंशियंट इवेंट ऑफ द ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज्ड टू बी हेल्ड एट डैश, कहां पे हुआ था ओलंपिक गेम्स? तो ओलंपिया ग्रीस में हुआ था, रोम में हुआ था, इंडिया में हुआ था या चाइना में हुआ था? तो इसका आंसर आएगा ग्रीस। द एंशियंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज टू बी हेल्ड एट ओलंपिया ग्रीस। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, द वुडन डॉल मेड इन महाराष्ट्र आर नोन एज डैश, जो महाराष्ट्र के अंदर वुडन डॉल बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ठकी, काली चंडिका, गंगावती, चंपावती। इसका आंसर आएगा ठकी। द वुडन डॉल मेड इन महाराष्ट्र आर नोन एज ठकी। बी क्वेश्चन में क्या दिया गया, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे हमको सेट दिया गया है, उसमें से हमको रॉन्ग पेयर पहचानना है। तो मलखम आउटडोर गेम बेस्ड ऑन द फिजिकल स्किल्स, ये तो राइट है। वाटर पोलो वाटर स्पोर्ट्स है, ये भी राइट है। स्केटिंग एडवेंचरस आइस स्पोर्ट्स है, ये भी राइट है। चेस आउटडोर गेम है, ये रॉन्ग है। चेस कभी भी इनडोर में खेला जाता है। तो हमारा रॉन्ग पेयर क्या बनेगा, चेस आउटडोर गेम्स, और उसका करेक्ट पेयर है चेस इनडोर गेम्स। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है राइट नोट्स, हमको यहाँ पे एक नोट्स लिखना है। टॉयस एंड फेस्टिवल्स मीन्स टॉयस जो होती है, खिलौने जो होते हैं उसका फेस्टिवल त्योहार से क्या रिलेशन है? फर्स्ट पॉइंट है, टॉयस एंड फेस्टिवल्स आर इंटर रिलेटेड सिंस एंशियंट टाइम। आज से नहीं, बहुत पहले से ही है टॉयस और फेस्टिवल का बहुत ही गहरा संबंध रहता है, इंटर रिलेटेड रहते हैं। टॉयस आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन इन द डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। सम कल्चर्स टॉयस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ गिफ्ट, किसी किसी कल्चर में टॉयस को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, जैसे कि सेंटा क्लॉज गिफ्ट चिल्ड्रन टॉयस ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के समय पे सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते हैं। एज पार्ट ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्स आर मेड डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज हिज सोल्जर्स एंड एनिमल्स विच आर टॉयस। दिवाली सेलिब्रेशन के समय पे महाराष्ट्र में क्या किया जाता है, हम लोग किला वगैरह बनाते हैं, फोर्ट्स बनाते हैं, वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति रहेगी, सोल्जर्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी टॉयस हम बनाते हैं। क्ले इमेजेस ऑफ स्नैक्स एंड बुलॉक्स आर सोल्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक बैल पोला एंड नागपंचमी। हम लोग बैल पोला में बुलॉक्स का क्ले इमेज से बनाते हैं और नागपंचमी में स्नैक्स का बनाते हैं। सेकेंड दिया गया स्पोर्ट्स एंड मूवीज, स्पोर्ट्स एंड मूवीज में क्या रिलेशन है? द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्ट्स वॉज लिमिटेड टू द सीन इन द मूवीज मेड अर्लियर। पहले के मूवीज में क्या दिखाती थी, पहले के पिक्चरों में क्या दिखाते थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिखाते थे। इन रिसेंट टाइम और आज की तारीख में क्या हो गया है, बायोग्राफिकल मूवीज आर मेड ऑन स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑन स्पोर्ट्स। आज की तारीख में बायोग्राफिकल मूवी बन रही है किसी स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर के या स्पोर्ट्स को लेकर के। मूवीज लाइक लगान एंड दंगल आर मेड रिलेटेड टू द क्रिकेट एंड रेसलिंग रिस्पेक्टिवली। मतलब लगान मूवी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, और दंगल मूवी जो है रेसलिंग से रिलेटेड। बायोग्राफिकल मूवीज आर मेड ऑन मेरी कॉम एंड देयर फोगट सिस्टर। जो बायोग्राफिकल मूवी बनी है मेरी कॉम पे भी बनी है, फोगट सिस्टर्स पे भी बनी है। मूवीज आर मेड ऑन द कैरियर्स ऑफ द फेमस स्प्रिंटर मिल्खा सिंह के ऊपर भी मूवी बनी है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी बनी है, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी बनी है। ओवरऑल मूवीज एंड स्पोर्ट्स आर रिलेटेड फ्रॉम द साइलेंट ईरा टिल दिस। मतलब पहले से लेकर के आज तक स्पोर्ट्स और मूवीज का रिलेशन है, रिलेटेड है एक दूसरे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। फर्स्ट क्या दिया गया, करंटली द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन 21st सेंचुरी। मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आया है, ये 20वीं से 21वीं शताब्दी में आए हैं।
इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट फुटबॉल एटसेट्रा आर टेलीकास्ट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आज के तारीख में क्रिकेट फुटबॉल ये जितने भी मैचेस हैं इंटरनेशनल मैचेस हैं वो सभी जगह पे टीवी वगैरह पे दिखाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में दिखाए जाते हैं। फैंस वॉच दिस मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट, जितने भी फैंस होते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीजें देखते हैं। एंड एस्पायरिंग प्लेयर्स टू लर्न मोर, उससे हमारे बीच से ही देख करके बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। द सिटीजन्स ऑफ द नॉन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आल्सो वॉच दिस मैचेस, और जो इस मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं भी होते हैं वो भी ये मैचेस को देखते हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स गेट अ चांस टू टेलीविजन चैनल टू ऑफ द कमेंटेटर्स, जो रिटायर्ड प्लेयर होते हैं जैसे कपिल देव वगैरह हो गए, ये सारी चीज ये सारे लोग क्या करते हैं कमेंटेटर में आ जाते हैं। मैचेस गार्नर्स अ लार्ज ऑडियंस एंड द कमर्शियल कंपनीज लुक एट इज द अपॉर्चुनिटी टू द एडवर्टाइज एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, कॉमर्शियल कंपनियां क्या करती हैं, ये मैचेस के बीच में अपना एड चलाती हैं ताकि उनका प्रोडक्ट बिक सके। ऑल दिस फैक्टर्स हैव लेड टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी, इसीलिए स्पोर्ट्स की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड में दिया गया टॉयज कैन टेल अस अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री, जो हमारी टॉयज होती है वो हमको हमारी कल्चर बताती है। अब यहाँ पे देखिए कल्चर कैसे बता सकती है। अ ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज फॉर एंटरटेनमेंट इज गोइंग टू द सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब पहले से ही हम लोग अपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे वेराइटीज के टॉयज बनाते थे। फर्स्ट है टॉयज गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द कल्चरल एंड द रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ दैट पीरियड, जो टॉयज होता है उससे हमको उस समय क्या क्या डेवलप हुआ था और उस समय के रिलीजियस क्या थे, कल्चर कैसा था, वो सारी चीजें पता चलती है। क्ले मॉडल्स ऑफ द फोर्ट्स एंड क्ले इमेजेस ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज हिज सोल्जर्स पीपल एंड एनिमल्स आर मेड ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिवल इन महाराष्ट्र, दिवाली फेस्टिवल में हम लोग किला वगैरह बनाते ही है। दे आर प्लेस्ड ऑन फोर्ट एंड गिव्स अस आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड, और उससे हमको ये पता चलता है या जो भी बच्चे रहते हैं उनको ये पता चलता है कि उस समय के जो किला होते थे उनको किस तरीके से बनाया जाता था, आर्मी कहाँ रहती थी, उनके सोल्जर्स कहाँ रहते थे, पीपल कहाँ रहते थे, शिवाजी महाराज कहाँ पे बैठते थे, ऐसे। एंड एवरी डॉल फाउंड एट पोम्पेई एन एंशियंट सिटी इन इटली सेट्स लाइट ऑन इंडो रोमन ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन। एवरी डॉल का मीन्स क्या हो गया कि जो हाथी होती है एलिफेंट होता है एलिफेंट के दांत से वहां पे डॉल बनाई गई थी, तो इटली के पोम्पेई शहर में हाथी के दांत से जो गुड़िया बनाई गई थी जो डॉल बनाई गई थी उससे ये समझ में आता है कि इंडिया और रोमन के बीच में भी कल्चरल रिलेशन भी थे और ट्रेड रिलेशन भी थे, व्यापार करते थे एक दूसरे को सामान बेचते बेचते थे। द मेंशन ऑफ गेम्स टॉयस एंड फ्लाइंग द डांसिंग डॉल्स इन द कथा सरित सागर गिव अस एन आइडिया अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ टॉयस, कथा सरित सागर जो बुक है उससे हमको वहाँ की कल्चरल हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ के गेम्स कैसे थे, टॉयस कैसे थे, वहाँ पे डांसिंग डॉल कैसे थे, फ्लाइंग डॉल कैसे थे, ये सारी चीजों की जानकारी हमको उससे मिलती है। तो इसी से पता चल जाता है कि टॉयस और हिस्ट्री में बहुत ही गहरा संबंध है। इन दिस वे वी कम टू नो अबाउट कल्चरल हिस्ट्री फ्रॉम टॉयस, हम लोग टॉयस से हिस्ट्री समझ सकते हैं। सो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। राइट डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसका डिटेल में हमको आंसर लिखना है। राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड टॉयस इन एंशियंट इंडिया, तो इसमें 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में है द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड टॉयस डेटेड बैक टू एपिक एज, द एंशियंट इंडियंस लिटरेचर एंड एपिक मेंशन वेरियस गेम्स सच एज अ गेम्स ऑफ डाइस रेसलिंग हॉर्स एंड कैरियोट रेस, पहले जो हमारे जो पूर्वज लोग थे हमारे एंशियंट इंडिया में डाइस रेसलिंग हॉर्स एंड कैरियोट रेस वगैरह पहले खेले जाते थे। स्पोर्ट्स आर टू टाइप्स इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंडोर होता है और आउटडोर गेम्स होता है। इंडोर गेम्स के अंदर क्या आता है, चेस, कार्ड गेम्स, डाइस, कैरम, कचक वाद्य और आज का वो लूडो गेम हो गया, भटुकली वेयर वेरी पॉपुलर इंडोर गेम्स के लिए। इट कैन बी नोटेड दैट ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड इक्विपमेंट टू प्ले, और इसके लिए हमको बहुत सारी चीजें खेलने के लिए चाहिए थी। थर्ड पॉइंट में दिया गया कार्ड्स टू प्ले कार्ड गेम्स, डाइस टू प्ले गेम ऑफ डाइस
अ बोर्ड एंड पीसेस ऑफ प्ले चेस बंच ऑफ सीट्स और स्टोन्स टू प्ले सागर गोटे प्लेइंग हाउस टू प्ले भटुकली मीन्स देखो कार्ड से कार्ड गेम खेल सकते हैं, डाइस से डाइस गेम खेल सकते हैं और चेस खेलते हैं, सागर गोटे खेलते हैं और भटुकली खेलते हैं। लाइकवाइज उसी तरीके से आउटडोर गेम्स लाइक मार्बल्स गोटी खेलते हैं हम लोग जो बोलते हैं, लगोरी है, विटी डंडू है, भावरा है, टॉप्स मतलब भावरा। आर रिक्वायर्ड मटेरियल लाइक मार्बल्स स्टोन्स टॉप्स स्मॉल एंड लार्ज स्टिक टू प्ले ये सारी गेम्स हम प्ले करते खेलते हैं। अ संस्कृत प्ले बाय शूद्रका इज नेम्ड एज द मृच्छकटिका। मृच्छकटिका का जो प्ले होता है वो भी संस्कृत में प्ले किया जाता है, नाटक किया जाता है। इट मीन्स अ क्ले कार्ड वाज अ टॉय यूज्ड टू प्ले ड्यूरिंग द हरप्पा पीरियड ये हरप्पा के काल में खेला जाता था। कथा सरित सागर हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गेम्स ऑफ टॉयज देयर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लाइंग डॉल्स। कथा सरित सागर में बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स खेले जाते थे और उसके अंदर फ्लाइंग डॉल्स की उल्लेख मिलता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। देयर इज अ मेंशन दैट ऑन द प्रेजेंस ऑफ द की सम डॉल्स यूज टू फ्लाई सम यूज टू डांस एंड सम यूज टू मेक साउंड्स। वहां पे जो डॉल्स के बारे में बताया जाता है वो कुछ डॉल्स फ्लाई करती थी, कुछ डॉल्स डांस करती थी, कुछ डॉल्स साउंड करती थी। सो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, एक्सप्लेन द क्लोज टाई बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री मतलब हमको स्पोर्ट्स और हिस्ट्री के बीच में क्या संबंध है वो हमको बताना है। यहाँ पे दिया गया है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री आर क्लोजली रिलेटेड ईच अदर एक दूसरे से रिलेटेड है। इट इज अ मस्ट फॉर अ स्पोर्ट्स राइटर टू नो हिस्ट्री ऑफ द गेम ही चोजेस टू राइट ऑन मतलब अगर आप किसी भी गेम के बारे में हिस्ट्री लिखते हैं तो उसको उस चीज की जानकारी पूरी तरीके से होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू राइट अ रिव्यू ऑन एनी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन द क्रिटिक शुड हैव नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन हेल्ड इन द पास्ट और जब भी वो किसी कंपटीशन के बारे में लिखेगा या कंपटीशन के बारे में समझेगा तो उसको पहले के कंपटीशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द स्किल्स टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड इन द पास्ट एंड डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रेजेंस मेक्स द रिव्यू कॉम्प्रिहेंसिव और जब भी वो उसके स्किल्स के टेक्निक के स्ट्रेटजी के बारे में उसके पास्ट के बारे में समझेगा तो ही उसको प्रेजेंट में अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। द राइटर हैज टू रिसोर्ट टू हिस्ट्री वाइल राइटिंग कॉलम्स एंड आर्टिकल्स ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स और एशियाड और एनी नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस। जो राइटर होते हैं उनको हर एक गेम के बारे में पता होनी चाहिए, ओलंपिक के, एशियाड के, नेशनल इंटरनेशनल सभी चीजें उनको पता होनी चाहिए। While commentating on Akashvani and Doordarshan, an expert commentator need to have good knowledge of the history of the game, previous record of the illustration and eminent players, statistical analysis and historical anecdote related to the games and players. जब भी कोई भी कमेंटेटर जो है कमेंटेटिंग करता है आकाशवाणी पे चाहे दूरदर्शन पे टीवी पे रेडियो पे कहीं पे भी कमेंटेटर करता है तो उसको उस गेम के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। वो उस गेम में पिछले साल में या पिछली बार में कितने रन्स वगैरह बनाए थे ये सारी चीजों की उनको जानकारी होनी चाहिए। कोचेस स्पेशल एक्सपर्ट्स सिलेक्शन कमिटीज शुड हैव इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लेयर्स देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ द प्लेयर्स इज द अपोजिंग टीम इवन प्लेयर्स शुड नो हिस्ट्री ऑफ द कंपटीशन। जो भी कोच रहते हैं स्पेशल एक्सपर्ट रहते हैं या जो भी सिलेक्शन कमेटी रहती है उनको आप प्लेयर के स्ट्रेंथ के भी बारे में पता होनी चाहिए और वीकनेस के भी बारे में पता होनी चाहिए तो ही वो अच्छी तरीके से लिख सकते हैं बोल सकते हैं। इन शॉर्ट द एसेंशियल टू नो द हिस्ट्री ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स इसीलिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स के बारे में सारी जानकारी हो ताकि हम उसकी हिस्ट्री लिख सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स मतलब इंडोर गेम और आउटडोर गेम में क्या डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए टोटल 6 डिफरेंट हमने लिया है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडोर गेम्स आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस दे आर प्लेड इन द क्लोज एनवायरमेंट। जो भी हमारे इंडोर गेम होते हैं वो हम लोग एक जगह पे बैठ करके खेलते हैं या क्लोज एनवायरमेंट में खेलते हैं। और आउटडोर गेम क्या होता है, आउटडोर गेम्स आर प्लेड ऑन अ फील्ड ये मैदान में खेले जाते हैं। इंडोर गेम्स रिक्वायर स्किल बट फिजिकल एक्सरसाइज इज नेग्लिजिबल
इंडोर गेम जो होते हैं उसमें हमारी स्किल्स बढ़ती है लेकिन हमारा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है। आउटडोर गेम्स नीड मोर फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्किल्स, और इसमें हमारा फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा होता है। एज देयर इज नो एक्सर्शन इन इंडोर गेम्स सो इट इज नॉट इसेंशियल टू डेवलप स्टेमिना। बोल सकते हो कि हमारे एक्सर्शन नहीं होता है इसीलिए हम लोग कोई ज्यादा स्टेमिना की जरूरत नहीं पड़ती। आउटडोर गेम्स रिक्वायर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, इसमें हमको स्टेमिना और स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। इनडोर गेम्स डू नॉट इन्वॉल्व एडवेंचर, इसमें एडवेंचर इन्वॉल्व नहीं होता है। आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व एडवेंचर एट अ टाइम्स, एग्जाम्पल ऑटो रेसिंग। फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है इंडोर गेम्स इंक्लूड इंटरनेशनल गेम्स लाइक चेस एंड हाउस होल्ड गेम्स लाइक इंडियन लूडो प्ले हाउस भटुकली एंड मेनी मोर। इंडोर गेम्स में ये सारे गेम्स होते हैं। आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स लाइक कबड्डी खो खो हॉकी क्रिकेट एटसेट्रा। विद द एक्सेप्शन ऑफ चेस एंड कैरम नो कॉम्पिटिशन आर हेल्ड फॉर रेस्ट ऑफ द इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में कंपटीशन होती है लेकिन चेस और कैरम में नहीं होता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन आर हेल्ड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल आउटडोर गेम्स, मतलब सभी आउटडोर गेम्स में सभी में कंपटीशन की भावना होती है। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर के बताइए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।